नमस्कार, मैं दिव्या राधा, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले के कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। इंसाफ के सिपाही अभियान चला रहे सिब्बल का कहना है कि मैंने कांग्रेस पार्टी भले ही छोड़ी है, लेकिन दिल से अभी भी कांग्रेसी ही हूं और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूं। सिब्बल ने आरोप लगाया कि देश के सभी संस्थाओं की स्वतंत्रता पर कब्जा हो रहा है, अब तो संसद भी कैप्चर हो गई है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। न्यायपालिका की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसे फैसले आते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है न आधार है। बिहार में बीजेपी के एक पूर्व विधायक के बयान से बवाल मच गया। राजनेता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। यह घटनाक्रम वैशाली जिले के हाजीपुर के पास महुआ में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के दौरान हुआ है। आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था। विवादित टिप्पणी करने वाले नेता का नाम अच्युतानंद सिंह है। वह बीजेपी से विधायक रह चुके वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी चिराग के नेता है। देश भर में इन समय पुरानी पेंशन योजना को लेकर जंग छिड़ी हुई है। राज्यों के सरकारी कर्मचारी यानी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग लगातार कर रहे हैं। इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है। वहीं अब ओल्ड पेंशन पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जिन भी राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो चुकी है वहां पर राज्य सरकारें एनपीएस का पैसा वापस मांग रही है, लेकिन मोदी सरकार ने इन पैसे को देने से साफ मना कर दिया है। बिहार में आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर अपनी मांगों को लेकर राजधानी पटना के गर्दनी भाग में धरने पर बैठी है। बता दें कि बिहार राज्य आईसीडीएस महिला पर्यवेक्षिका एवं कर्मचारी संघ का ये आंदोलन है। दरअसल आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर का कहना है कि जिस प्रकार से सरकार उनसे काम ले रही है उस हिसाब से उन्हें उनका मानदेय नहीं दे रही है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से सरकार नियम बनाती है उस प्रकार से उन नियमों का लागू नहीं करती है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा उनके मानदेय निर्धारण का जो नियम है उसे हिसाब से उन्हें मानदेय दिया जाए। साथ ही साथ जिस प्रकार से अन्य कर्मी का प्रत्येक वर्ष मानदेय वृद्धि होता है उसी प्रकार से उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की मांग कर रहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दंपति से कहा है कि वे शादी को कायम रखने के लिए एक और मौका खुद को क्यों नहीं देने चाहते, क्योंकि दोनों ही अपने रिश्ते को समय नहीं दे पा रहे थे। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी रंगरत्ना की पीठ ने कहा है कि वैवाहिक संबंध निभाने के लिए समय कहाँ है। आप दोनों बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक दिन में ड्यूटी पर जाता है और दूसरा रात में, आपको तलाक का कोई अफसोस नहीं है लेकिन शादी के लिए पछता रहे हैं, आप वैवाहिक संबंध कायम रखने के लिए दूसरा मौका क्यों नहीं देते। टीके जीवन बचाते हैं लेकिन दुनिया में करोड़ों बच्चों को अभी टीका नहीं लग पा रहा है। अगर भारत की बात करें तो 2020 से पहले तक हर साल 20 से 25 फीसदी तक बच्चे टीका नहीं ले पा रहे थे, लेकिन महामारी में यह आंकड़ा बढ़कर 40 फीसदी तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ है। हर साल 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह का इस बार भी लक्ष्य यही बच्चे हैं जिनके लिए थीम है द बिग कैच अप। देश के इतिहास में पहली बार जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर के जल स्रोतों की गणना की है। इसके अंतर्गत देश के 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिनमें से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में और केवल 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। यहां देश के कुल जल स्रोतों का लगभग 63% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में शीर्ष 5 राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ने कहा है कि देश के सामाजिक धार्मिक संरचना को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि समान लिंग विवाह हमारी संस्कृति के खिलाफ है, इस तरह के फैसले अदालतों द्वारा नहीं किए जाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रविवार को स्टेट बार काउंसिल के साथ अपनी संयुक्त बैठकों में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ वर्तमान में जांच की गई याचिकाओं के एक बैच पर बड़ी चिंता और गंभीर चिंता दिखाई है। पीएम मोदी 25 अप्रैल को भारत की पहली वाटर मेट्रो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक देश का पहला वाटर मेट्रो केरल के 10 द्वीपों को जोड़ेगा। मिली जानकारी के मुताबिक वाटर मेट्रो सेवा 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के साथ शुरू की जाएंगी। आईएएस अधिकारी श्री कृष्णय्य हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई संबंधी खबरों को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती भड़क गई है। इसे लेकर उन्होंने रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार को दलित विरोधी करार दिया है। बिहार की राज्य सरकार गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में असमर्थ लोगों के लिए सहायता के लिए सीएम चिकित्सा योजना चलाती है। सीएम चिकित्सा योजना के तहत कैंसर मरीजों को 40,000 से 60,000 रुपए तक दिए जाते हैं। इसके अलावा हृदय रोग से संबंधित बीमारियों के लिए 30,000 रुपए भी दिए जाते हैं। वहीं एड्स के प्रभावित मरीजों को 1,00,000 रुपए तक की आर्थिक मदद मिलती है। इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को ही मिलता है। पटना सहित पूरे बिहार में कोरोना एक बार फिर तेज गति से बढ़ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब कोरोना लक्षण भी बदल रहा है।
जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसे समझने की जरूरत है। इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक आंख में जलन की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा गले में खराश और दस्त जैसे लक्षण भी हैं। आंकड़ों के अनुसार कुल पॉजिटिव केस में करीब 27 ऐसे मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं जिनको संबंधित लक्षण मिले हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मरीज जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार इनमें ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन ने रविवार को ऐतिहासिक नुवारा एलिया शहर के पास सीता मंदिर वाले एक विशेष स्मारक कवर का अनावरण किया है। उन्होंने रामायण प्रसिद्ध अशोक वाटिका स्थल पर भी एक ध्यान केंद्र की आधारशिला रखी है ताकि नकदी संकट से जूझ रहे देश में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री के साथ भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी भव्य समारोह में मौजूद थे। केरल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की भी आधारशिला रखेंगे। यह केरल की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा। परियोजना को 2 साल में पूरा किया जाना है। पार्क में शुरुआत में 2 लाख वर्ग फीट के कुल क्षेत्रफल के साथ 2 भवन होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि केंद्र सरकार पूंजी ऐप पर अंकुश लगाने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे कई पूंजी ऐप हैं जिन पर शिकंजा कसने के लिए हम आईटी मंत्रालय और आरबीआई के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वित्तीय सलाह देने वालों पर नियंत्रण के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री के कर्नाटक के एक तुमकुरु जिले में एक कार्यक्रम में सोशल मीडिया पर वित्तीय सलाह देने वालों से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे सलाह देने वाले हैं जो ज्यादा रिटर्न का झांसा देकर संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं। संसाधन और मशीनरी के अभाव में किसान अपने फल को केमिकल से पकाते हैं। ये फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे में बिहार सरकार राइपिंग चैम्बर स्थापित करने के लिए किसानों को इकाई लागत पर व्यक्तिगत किसान या उद्यमी के लिए अधिकतम 50% और एफपीओ या एफपीसी के लिए अधिकतम 75% तक का सहायता अनुदान दे रही है। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत स्टारशिप में विस्फोट हो गया था, जिसके बाद कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इसके एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एलन मस्क की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि एलन मस्क के पास जोखिम लेने की क्षमता है। आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से कैंसर एक आम रोग बन गया है। यह किसी भी व्यक्ति और किसी को भी ऑर्गन में हो सकता है। कैंसर से बचाव के लिए इसके लक्षणों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल ऐसे ही प्रमुख कैंसरों में से एक है। यह कैंसर महिलाओं को अपने गिरफ्त में ले लेता है। दुखद यह है कि इस कैंसर के होने के जो आंकड़े हैं वो बेहद भयावह है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में थोड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 7,178 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4.48 करोड़ को हो गई है। वहीं देश में 69 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।